नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर चिंतन पाठक, एडवोकेट, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, लॉकडाउन 2.0, डे 31। मित्रों, आज मैं अपनी बात आचार्य चाणक्य की उस बात से शुरू करना चाहता हूं जो उन्होंने बरसों पहले की थी और जो आज भी सत्य है। उन्होंने कहा था कि जब आप कभी भी अपनी कोई निजी बात, अपनी अंगत बात, अपनी कोई गुप्त बात किसी के साथ शेयर करते हैं, आप उसको बताते हैं, तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ता है। अब ये कब भुगतना पड़े, कैसे भुगतना पड़े, इट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये चीज़ का खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। और ये बात आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के टेक्नोलॉजी के युग में ये बहुत ही सही है। मित्रों, मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें हम लोग आज नोइंगली अननोइंगली जो सोशल मीडिया के थ्रू शेयर करते हैं, उसका खामियाजा हमें अलग अलग प्रकार से, हमें या हमारे फैमिली को भुगतना पड़ सकता है। और इसके बारे में आगे भी मैंने कई सारे रियल केसेस के थ्रू ये चर्चा की है, लेकिन इस बार मैं आपके साथ कहीं ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहूँगा जो आज से पहले नहीं हुई है, और पर्टिकुलरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो प्रेजेंट सिनेरियो है, और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चाइना, जो चाइना पर्टिकुलरली जिस तरह से अभी वर्क कर रहा है टेक्नोलॉजी के ऊपर, और जिस तरह से उसने टेक्नोलॉजी का एक जैसे कि एक जाल बिछा के रखा है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जो हमारी बातें हम शेयर करते उसको जान लें। मित्रों, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि एक लाइक की एक बहुत बड़ी गेम सोशल मीडिया पर चलती है, यानी कि मैं अगर किसी की पोस्ट को लाइक करता हूँ तभी वो मेरी पोस्ट को लाइक करेंगे, अगर मैं किसी को पोस्ट को लाइक नहीं करता तो मेरी पोस्ट को लाइक नहीं करेंगे। लोग ये नहीं देख रहे कि ये कंटेंट क्या है, यानी कि इसमें इन्होंने क्या कहा है, मेरा पिक्चर शेयर किया है या कोई वीडियो शेयर किया है, सही में ये इन्फॉर्मेटिव है, लोगों को उससे कोई पड़ी नहीं है। लोगों को यही है कि भाई चलो इन्होंने शेयर किया है, इसको लाइक कर दो, और अगर वो आप उनका लाइक करते हैं तो फिर वही तभी वो आपका लाइक करेंगे। हर एक किस्से में ये ज़रूरी नहीं है, कहीं लोग आपको मानते हैं, कहीं लोग आपको जानते हैं और वो समझते भी है कि जो आप कह रहे हैं वो सही है और वो उस तरह से उसको लाइक करते हैं। लेकिन जो अभी जो चीज़ चली आ रही है सोशल मीडिया के ऊपर, वो इस तरह से बड़ी हो चुकी है कि टेक्नोलॉजी के चक्कर में, और हम लोग ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन अपने बारे में जो हमारी निजी ज़िंदगी के बारे में है, जो हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में है, हम सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करते हैं, और उसका खामियाजा हमें अभी नहीं लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी हमें और हमारे फैमिली को भुगतना पड़ सकता है। हाँ मित्रों, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप कुछ भी चीज़ें शेयर करिए, लेकिन इतना ध्यान में रखिए कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ की कोई भी चीज़ या कोई भी ऐसी बातें आपको सोशल मीडिया पर बतानी नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं, आपने कोई अचीवमेंट की है, अगर आप कोई ऐसा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप ज़रूर शेयर करिए। लेकिन अगर मैंने कोई नई कार ली है, मैं कहीं पे बाहर घूमने गया हूँ, या फिर अगर मैं कोई फॉरेन ट्रिप मैंने की है, तो ऐसी सारी बातें शेयर करने से आप अपने आप को रोकिए, ऐसी बातें मत शेयर करिए। आप कहीं ऐसे स्नैप शेयर करते हैं जिसमें आपका फुल्ली फैमिली फ़ोटो हो, आपके बच्चे के फ़ोटो हो, आप कहीं बार मैंने देखा है कि भाई फर्स्ट डे ऑफ माय चाइल्ड इन दिस पर्टिकुलर स्कूल, उसके आई कार्ड के थ्रू आप उसके फोटोग्राफ पोस्ट करते हैं, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में आपके अगेंस्ट हो सकती है, या इसका उपयोग क्रिमिनल्स यूज़ कर सकते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म का सही मायने में अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसको प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं। मैं हर बार ये कहता हूँ, यू आर नॉट यूजिंग टेक्नोलॉजी बट टेक्नोलॉजी इज़ यूजिंग यू। तो ये कहने का मतलब यही है, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी के बारे में इतना पता नहीं है, और अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है पर्टिकुलरली मीडिया में, इट इज़ वर्किंग ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आप जो जो चीज़ें करते हैं, अगर आप स्क्रीन के ऊपर अपना हाथ भी घुमाते हैं, अपनी नज़र भी घुमाते हैं, उसको भी वो मॉनिटर करते हैं, और उसकी इन्फॉर्मेशन वो एप्लीकेशन स्टोर रखता है, और उसके हिसाब से आपको अलग अलग सजेशन और अलग अलग चीज़ें आपको दिखाता है। तो मेहरबानी करके अपनी प्राइवेट जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप मत शेयर करिए। स्टे सेफ इन द साइबर वर्ल्ड। आई ऑलवेज यूज टू से दैट डोंट बी अ विक्टिम, बी अ रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन। थैंक यू वेरी मच।
मित्रों, आज हमारे लिए जो काम कर रहे वैसे सारे पुलिसकर्मी, सारे मीडिया के अधिकारी, सारे डॉक्टर्स, सारे नर्सेस, सारे प्रशासन के अधिकारी, सफाई कामदार और बैंकर्स, वेंडर्स, ये सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इनके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे, वैसे हम प्रभु से प्रार्थना करें आप सभी स्वस्थ रहे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। प्लीज़ 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 स्टे एट योर होम, डोंट गो आउटसाइड, जस्ट फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, जस्ट फॉलो द ऑल नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।